तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, बनकर तैयार हो चुका है भरवन आलू। ठीक है, तंदूरी भरवन आलू। तो तंदूरी भरवन आलू बनाने के लिए क्या क्या करना है वो आपको दिखाऊंगा। मैंने साथ साथ थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए क्रीम डाल दिया है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा। तो ये जैसे कि तंदूर से मैंने निकाल के रख लिया 3 पीस मीडियम साइज़ का बड़ा बड़ा सा आलू, उसके अंदर मसाला स्टफिंग किया हुआ, आप इसको कटिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि ये देख सकते हो मैंने 3 पीस बड़ा साइज़ का आलू को लेके इसका अंदर का जो आलू होता है उसको निकाल के मैंने फ्राई करके रख लिया। ठीक है, तो आप लोग भी इसको इसी तरह फ्राई कर लीजिएगा। फ्राई करने से क्या होता है दोस्तों, और ये जो है ये मेरे पास आलू का भरवान आलू बनाने के लिए मसाला है। इसमें वेजिटेबल्स को हमने कीमा करके फ्राई पैन में सॉटे कर लिया थोड़ा काजू के साथ, ज़्यादा कुछ भी नहीं, गार्लिक का तड़का लगाया मैंने, आप लोगों को दिखाना भूल गया। गार्लिक का तड़का, वेजिटेबल्स कीमा आप डाल रहा हूँ, साथ साथ इसमें चीज़। तो उसको फ्राई पैन में सॉटे करने के बाद ऊपर से चीज़ और पनीर को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो पनीर और चीज़ ऐड कर रहा हूँ इसमें। इसके बाद ये मसाला को हम इसके अंदर स्टफिंग करेंगे। इसमें कोई मसाला नहीं डाला हुआ है, ओनली गार्लिक का तड़का और नमक। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसी तरह बना लीजिए भरवान आलू। घर पे आराम से बना सकते तवा पे, आप लोग तवा पे डाल दीजिएगा, बढ़िया तरीके से बन जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हो मसाला को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ, चीज़ और पनीर वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह मिक्स कर लीजिएगा। तो ये मिक्स होने के बाद दोस्तों इसमें हम स्टफिंग कर लेंगे आलू का अंदर। ठीक है, ये विदाउट मसाला, इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया, ओनली सॉल्ट और मिर्ची का अलावा। तो जैसे कि देख सकते हो मसाले को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, चीज़ और पनीर को इसके साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। ठीक है, इसके बाद इसको हम क्या आगे का प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे कि देख सकते हो थोड़ा गोली बना रहा हूँ, तो जैसे कि देख सकते हैं गोली अच्छी तरह बन भी रहा है, ज़्यादा चिकन भी नहीं है। अब ये आलू जो है आलू का अंदर एक एक करके स्टफिंग करूँगा। तो इसी तरह एक एक करके सारे आलू में, तीन जो आलू है तीनों आलू में स्टफिंग करना आप लोगों को दिखाऊँगा। ठीक है, मैंने ज़रा सा भी कट करके वीडियो नहीं बनाया, पूरा दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। तो इसी तरह वीडियो स्टॉपिंग कर लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हो एक स्टॉपिंग हो चुका है, बीच में जो दूसरा है इसको हम इस तरह स्टॉपिंग कर लेंगे। आलू क्या है दोस्तों, पहले फ्राई कर लेने का थोड़ा सा हल्दी लगा के, इससे क्या होता है आपका आलू पक जाएगा जल्दी। और थोड़ा कॉर्नफ्लोर लगाने से क्या होता है करक रहेगा, थोड़ा कॉर्नफ्लोर भी लगा लीजिएगा और इसमें तेल में फ्राई कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मली आप तेल में फ्राई कर सकते हो, आराम से तेल में फ्राई हो जाएगा, बॉयल नहीं करना है आलू को। तो जैसे कि देख सकते हो स्लो, मतलब ज़्यादा दबाने का नहीं, ज़्यादा दबाने से क्या होगा दोस्तों आलू फट जाएगा। तो ज़्यादा दबाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आराम से इसको दबा भर सकते हो। तो जैसे कि देख सकते हो एक एक करके मैंने दो को भर लिया बातें करते करते आप लोगों को, तो तीसरा बाकी है, तीसरा को भी हम इसी तरह स्टफिंग कर लेते हैं। तो तीसरा स्टफिंग हो चुका है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो बहुत ही ईजी स्टेप है ये भरवान आलू, आप लोग घर पर बना लीजिए और इसको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा, सबको अच्छा लगेगा बनाने के लिए। और मसाला आप लोग आराम से घर पे तंदूरी जैसे रेड मसाला, दही दही के साथ आप लोग कौन सा भी कलर में मसाला बना सकते हो, सादा मसाला भी आप लोग बना सकते हो घर पे। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे कि मेरे पास तीनों आलू स्टफिंग करके हो गया, हम 3 का 6 पीस करेंगे। ठीक है, तो एक पोर्शन में 6 पीस आता है, आप 3 का चाहिए तो 9 पीस भी कर सकते हो, 12 पीस भी कर सकते हो, थोड़ा पतला हो जाएगा बट कर सकते हो। तो जैसे कि मेरे पास आलू रेडी हो चुका है स्टफिंग करके, अब इसका जो मसाला वो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो, अब मैंने एक प्लेट में तंदूरी मसाला ले रखा हूँ रेड मसाला, आप लोग भी इसी तरह तंदूरी मसाला बना सकते हो। ओनली तंदूरी रेड मसाला कैसे बनाना है वो मेरा वीडियो पे आप लोगों को मिल जाएगा। ओनली आप लोगों को दही चाहिए और बाकी वही इंडियन मसाला जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के आप बिना कलर का भी आराम से बना सकते हो, आप लोगों को लाल करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग नॉर्मली तंदूरी दही में थोड़ा सा बेसन डाल के बाकी इंडियन मसाला डाल के बना सकते हो। तो जैसे कि मैंने एक एक करके इसको स्टफिंग वाला आलू को लगा रहा हूँ और बीज में गैटेज डाल रहा हूँ, जैसे कि आलू नाट गिर जाए। तो मैंने बीज से कांदा और टमाटर का गैटेज डाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब साथ साथ एक कैप्सिकम का भी गैटेज डाल दिया। अब जो तंदूरी मसाला है इसको हम अच्छी तरह लगा लेते हैं इस पर। ठीक है, तंदूरी मसाला को एक एक करके हम अच्छी तरह तंदूरी मसाला को आलू के ऊपर से लगा लेंगे।
तो ये बन जाएगा हमारा तंदूरी भरवान आलू। तो भरवान आलू बनाने का सैंपल रेसिपी है, सैंपल रेसिपी आप लोग को दिखा दिया। ये एकदम इजी स्टेप है, तो आप लोग भी इसी तरह आराम से घर पे बना सकते हो। इसके बाद जैसे कि देख सकते हो मैंने तंदूर में डाल दिया है, ठीक है दोस्तों। तो तंदूर में डाल दिया इसको रोस्ट होने के लिए, इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, इसके बाद ही ये अच्छा कलर आने के बाद इसको निकाल देंगे, क्योंकि आलू पका हुआ है। तो तंदूर में डाल दिया हमने तो आलू को, और इसको अच्छी तरह रोस्ट होने के लिए दे देंगे, बढ़िया तरीके से कलर आएगा और तब इसको निकाल लेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आलू पका हुआ है, वेजिटेबल्स पका हुआ है, पनीर चीज़ सब पका हुआ है, तो इसमें पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो जैसे कि देख सकते हो तंदूर का आलू का कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है, एकदम ज़बरदस्त कलर आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और कलर कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो आलू जो है बढ़िया तरीके से रोस्ट हो रहा है, इसको अच्छी तरह रोस्ट करना ज़रूरी है। तो जैसे कि देख सकते हो रोस्ट हो चुका है और आलू को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब आलू को एक एक पीस करके हम बाहर निकाल लेंगे शरीर में से, और इसको तीनों को निकालने के बाद इसका कटिंग कर लेंगे, और कैसे कटिंग करना है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे कि तीनों आलू हमने निकाल दिया दोस्तों, अब निकालने के बाद इसको स्लाइस काटना है, और स्लाइस काटने काटूँगा तो सबसे पहले पीछे का हिस्सा थोड़ा ज़रा होता है, तो उसको काट के मैंने साइड कर दिया। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों मैंने ये 1/2 किया, एक का दो पीस किया। तो चाहते थे तो आप लोग इसका भी साइड से पीछे फेंक देते। तो आप लोगों का अगर इसको ज़्यादा पतला करना है तो एक का 3 पीस भी कर सकते हो, एक का 4 पीस भी कर सकते हो। तो हम लोग इसको 6 पीस का पोर्शन है तो थोड़ा मोटा साइज रख देते, यानी कि 3 का 6 पीस कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ज़्यादा पीस बनाना है तो घर पे आप लोग ज़्यादा बनाइए, थोड़ा पतला कर सकते हो। पतला मेरे हिसाब से थोड़ा पतला और बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमने 3 का 6 पीस कर दिया, और टेबल इसको जैसे कि एक एक करके अच्छी तरह प्लेट में डेकोरेशन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी भरवान आलू, साथ साथ तंदूरी कचुम्बर, साथ साथ थोड़ा सा अच्छी तरह बटर लगा देते हैं इसके ऊपर से, ठीक है। ये हमने इसमें बढ़िया तरीके से बटर डाल दिया दोस्तों, और इसी को कहा जाता है तंदूरी भरवान आलू। साथ साथ थोड़ा सा कचुम्बर भी डाल देता हूँ उसमें। तो इसी तरह आप लोग भरवान आलू बना सकते हो, और हमने इसमें थोड़ा सा क्रीम भी ऐड कर देंगे। अब तो जैसे कि देख सकते हो थोड़ा सा क्रीम ऐड कर दिया, और इसका जो लुक है बहुत ही बढ़िया यम्मी लुक आ चुका है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। आप लोग बनाइए और घर पे सबके लिए, ठीक है। सिंपल रेसिपी है, बहुत बढ़िया तरीके का रेसिपी है तंदूरी भरवान आलू। तो आप लोग तवा पे इसको आराम से बना सकते हो और घर पे खा सकते हो, ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं। तवा पे इसको आराम से बना के रोस्ट करके खा सकते हो। इसका रेसिपी आप लोग ट्राई कीजिए, मिलते हैं अगला वीडियो पे आप लोगों के साथ।